हेलो फ्रेंड्स, मैं स्टडी 91 चैनल से नितिन गुप्ता आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हम कवर करने जा रहे हैं मेडिवल हिस्ट्री का सालू वंश के बारे में। यह वंश संबंधित है विजयनगर साम्राज्य से, तो मैं चाहूँगा कि एक बार आपको पीछे की चीज़ें रिवाइज करा दूँ, ठीक है? तो आइए शुरू करते हैं। अच्छा, बहुत सारे लोगों का मैसेज आ रहा है कि सर मुगल साम्राज्य पे वीडियो कब बनाओगे, तो आपको तो पता है ना दोस्तों कि जब तक सीरियल मुगल साम्राज्य तक नहीं पहुँचेगा तब तक वहाँ पे वीडियो रुका हुआ रहेगा। अभी आपको देखिए विजय साम्राज्य पढ़ना है, दो तीन पार्ट आएंगे विजय साम्राज्य के, ये कंप्लीट हो जाएगा। अरे, एक पार्ट आपने देख ही लिया है और दो पार्ट आपके सामने और मैं लाऊंगा विजय साम्राज्य से संबंधित। इसके बाद विजय साम्राज्य जो है समाप्त हो जाएगा। नेक्स्ट हमको थोड़ा सा ध्यान देना है जो प्रांतीय राज्य थे जो अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर चुके थे, जैसे मेवाड़ हो गया और आपका कश्मीर हो गया और आपका खानदेश हो गया, मालवा हो गया, ठीक है, और गुजरात हो गया, जौनपुर हो गया, जौनपुर में इब्राहिम सर की। तो इस तरह से जो प्रांतीय राज्य ने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा किया था उनके बारे में भी तो जानना जरूरी है। तो पहले हम उन प्रांतीय राज्यों को कवर करेंगे, देन हम लोग आ जाएंगे सीधे सूफी संतों पर। और या तो सूफी संतों वाला टॉपिक को रोक कर मैं मुगल टॉपिक को शुरू कर दूंगा, देन हम लोग कवर करेंगे सूफी संत को। तो देख लेता हूँ जैसा होता है, बिल्कुल आप लोग परेशान मत होइए, मैं अकेला हूँ वीडियो बनाने वाला, थोड़ा सा आप सपोर्ट नहीं करोगे तो कैसे काम चलेगा। तो डेली आपके लिए जो भी तैयार करके दिया जा रहा है उन सारी चीज़ों को आप पढ़ते रहिए। आइए शुरू करते हैं अपनी बात को। देखो, पीछे की चीज़ें मैं थोड़ा सा रिवाइज करा देना चाहूँगा आपको कि पीछे हम लोगों ने यहाँ पर कवर किया था आखिरी राजा था विरूपाक्ष, संगम वंश का आखिरी राजा अंतिम शासक कौन था? विरूपाक्ष द्वितीय। विजयनगर में व्याप्त अराजकता की स्थिति को देखकर साम्राज्य के एक शक्तिशाली सामंत जिसका नाम था नरसिंह सालू, ठीक ना, नरसिंह सालू ने 1485 में सिंहासन पर अधिकार कर लिया और विजयनगर की कुर्सी चली गई किसके हाथ में? नरसिंह सालू के हाथ में। और आगे यहीं से कहानी हमको शुरू करनी। तो नरसिंह सालू जब गद्दी पर बैठा तो वंश भी बदल गया। विजयनगर में जो संगम वंश चल रहा था, संगम वंश की समाप्ति हो गई और नया वंश आ गया जिसका नाम था सालू वंश, ठीक है। तो नरसिंह सालू ने सालू वंश की स्थापना किया। यह सेना को अधिक शक्तिशाली बनाने के लिए अरब व्यापारियों से घोड़े को आयात करवाता था। मतलब फारस हो गए, सऊदी अरबिया हो गए, इन जगहों से जो अरब व्यापारी आते थे भारत में उनसे घोड़े मंगवाया करता था। क्यों? क्योंकि यह सेना को अधिक शक्तिशाली बना सके, अधिक मजबूत बना सके, ठीक है। और इसी का एक विश्वासी सेनापति था जिसका नाम था नरसा नायक। क्या नाम था? नरसा नायक। बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा नरसा नायक, ध्यान से सुनिएगा। इसका एक विश्वासी सेनापति था जिसका नाम था नरसा नायक। पूरे के पूरे प्रशासन की जिम्मेदारी किसके हाथों में थी? नरसा नायक के हाथों में थी। तो जब कभी ऐसा हो जाता है कि शासन प्रशासन की अधिकतर जिम्मेदारी किसी व्यक्ति के हाथ में चली जाए तो याद रखिए शासन का खतरा भी उसी व्यक्ति से बन जाता है। हालांकि आगे चल के नरसिंह सालू ने अपने अल्पवयस्क पुत्र का संरक्षण भी करने के लिए किसको सौंप दिया? संरक्षण का काम भी किसको सौंप दिया? नरसा नायक को। और नरसा नायक ने उनकी छत्रछाया में रह करके, यानी नरसिंह सालू की छत्रछाया में रह करके अपना काम धाम करना शुरू किया। अगला शासक आया इमाडी नरसिंह। इमाडी नरसिंह कौन है? इमाडी नरसिंह नरसिंह सालू का पुत्र था, ठीक है। कालांतर में नरसा नायक ने संपूर्ण सत्ता पर अधिकार कर लिया। अरे, शुरू से ही तो संरक्षण कर रहा था इसका, तो आगे चल के नरसा नायक ने मौका देख करके संपूर्ण सत्ता पर अधिकार कर लिया और विजयनगर का वास्तविक शासक बन गया। वास्तविक शासक इमाडी नरसिंह को, इमाडी नरसिंह को पेनकुंडा या पेनकोंडा नाम एक ही है, पेनकुंडा के किले में नज़रबंद करके कैद कर दिया, ठीक है। और पूरा का पूरा शासन अपने हाथों में ले लिया, पूरी की पूरी व्यवस्था अपने हाथों में ले लिया। इसके बाद क्या हुआ? नरसा नायक ने एक अभियान चलाया। उस अभियान के स्वरूप उसने चोल राज्य पर हमला किया, पांड्य राज्य पर हमला किया और चेर राज्य पर हमला किया। तीनों पे हमला करके इतना ज़्यादा सबको परेशान किया, हराया, और हराने के बाद उनको मजबूर कर दिया कि वो अपने राज्यों का विलय कर दें, कहाँ पे? विजयनगर में, और विजयनगर की प्रभुसत्ता स्वीकार कर लें। तो देख रहे हैं कि कितना तेज़ी से नरसा नायक बढ़ता चला जा रहा है। इन तीनों शासकों को विजयनगर की प्रभुसत्ता स्वीकार करने के लिए उसने बाध्य किया। मतलब बहुत ही शक्तिशाली राजा के रूप में उभरा था नरसा नायक, ठीक है। तो यहाँ तक चल रहा था सालू वंश, अचानक से घटना घटी और सालू वंश का एंड हो गया। सुनिए क्या होता है यहाँ पे, देखिए अब आगे चल के क्या हुआ। नरसा नायक बहुत दिन तक तो राजा बना नहीं रहेगा। नरसा नायक ने 1505 ईस्वी में अपने पुत्र वीर नरसिंह को गद्दी पर बैठाने की सोचा,
देखो नरसा नायक ने क्या किया, अपने पुत्र को, भाई कब तक वो गद्दी पे बैठेगा, तो वो अपने पुत्र वीर नरसिंह को गद्दी पर बैठाने के लिए सोचा। अब वीर नरसिंह ने क्या किया, जिसको कैद करके रखे था इसका पिताजी, कौन, इमाडी नरसिंह, ठीक है, इमाडी नरसिंह की हत्या कर दिया। और इस प्रकार से सालू वंश की पूरी तरीके से क्या हो गया, एंड हो गया, समाप्ति हो गई। अरे एक ही बचा था, नरसा नायक ने क्या किया था, उठा के पेनगुंडा के किले में नज़रबंद कर दिया था, लेकिन जिंदा तो था ना राजा, नाम मात्र का जिंदा तो था ना, वास्तविक शासक भले नरसा नायक बन गया लेकिन राजा के रूप में वो जिंदा तो था ना। और उसके पुत्र ने क्या किया, उसके पुत्र ने इमाडी नरसिंह की हत्या कर दी और वहाँ पे एक नया वंश चला जिसको बोलते हैं तुलु वंश, ठीक है, सालू वंश की समाप्ति हो गई और एक नया वंश आ गया तुलु वंश। इसको दूती बलापहार भी कहते हैं, इस कंडीशन को दूती बलापहार भी कहते हैं, ठीक है, क्योंकि दूती बलापहार माने क्या होता है, एक बलापहार हुआ था जब पहले वाला राजा बना था, अरे विरूपाक्ष दूती की जब हत्या की गई थी, और दोबारा कौन, इमाडी नरसिंह की हत्या की गई, दूती बलापहार इसे कहा जाता है, ठीक है। 1509 में उसकी मृत्यु के बाद उसका अनुज यानी उसका भाई राजा कृष्णदेव राय, राजा नहीं मतलब कृष्णदेव राय जो है विजयनगर की गद्दी पर बैठा, और यह विजयनगर साम्राज्य के महानतम शासकों में से एक थे, बहुत अच्छा शासक थे और इनकी विचारधारा शायद अन्य लोगों की विचारधारा से बिल्कुल अलग थी। इनके समय में जो विजय था, विजयनगर की जो विजय थी और जो गौरव था, जो यश था, ये अपने चरम अवस्था में पहुँच चुका था, मतलब जितनी भी तारीफ़ की जाए विजयनगर की उतना कम था, जितनी भी तारीफ़ कर सकें आप उतना कम था, इतना सुंदर राज्य की स्थापना हो चुकी थी। किसके समय में, राजा कृष्णदेव राय के समय में। 1520 में इन्होंने बीजापुर को अपने अधिकार में कर लिया और उसके साथ साथ समस्त रायचूर दुआब पर भी अधिकार कर लिया, रायचूर दुआब मतलब जो दो नदियों के दुआब का बीच का क्षेत्र था, ठीक है, उन पर जो है अधिकार कर लिया। बीदर और गुलबर्गा जो कि बहमनी राज्य के अंतर्गत आता था, और बहमनी सुल्तान महमूद शाह जो कि जेल में कैद था, ठीक है, उनको जेल से रिहा करवाया, जेल से मुक्त करा करके वापस उनको बीदर की गद्दी पर बैठा दिया, तो देखिए कितना अच्छा शासन व्यवस्था चल रहा है, कितना बढ़िया शासन व्यवस्था चल रहा है। और यहीं पर उन्होंने उपाधि धारण किया था यवन राज स्थापनाचार्य, हालांकि यहाँ पे यवनों का कोई उल्लेख नहीं मिलता लेकिन यवन राज स्थापनाचार्य जो इनकी उपाधि थी। कृष्णदेव राय के पुर्तगालियों से भी बहुत अच्छे संबंध थे और इन्हीं के दरबार में एक पुर्तगाली व्यक्ति आया था जिसका नाम था फादर लुई। कई बार आपके एग्जाम में आता है कि फादर लुई किसके राज दरबार में गया हुआ था, तो फादर लुई कृष्णदेव राय के राज दरबार में गया था, करने क्या गया था, बात ठीक है, चलो 1510 में आया ठीक है, लेकिन इसको भेजा कौन और क्या करने आया था ये फादर लुई। तो देखो अलबुकर्क का नाम आपने सुना ना, अलबुकर्क, ठीक है, अलबुकर्क ने कालीकट के राजा जमोरिंग के विरुद्ध युद्ध संबंधी समझौता करने और भटकल में एक कारखाने की स्थापना करने के संबंध में बात करने के लिए भेजा था फादर लुई को, कहाँ पर, कृष्णदेव राय के दरबार में। कृष्णदेव राय खुद भी स्वयं भी एक बहुत बड़े विद्वान थे, ठीक है, आइए और बातें करते हैं इनके बारे में। अक्सर करके एग्जाम में विजयनगर साम्राज्य की जब बात आती है तो हरिहर बुक्का और कृष्णदेव राय इन दोनों को बहुत अच्छे से जाना जाता है, ठीक है। तो फादर लुई वही अनुमति मांगने के लिए आए थे इनके दरबार में। मैंने बताया अभी आपको कि कृष्णदेव राय बहुत बड़े विद्वान थे, इन्होंने जाम्बवती कल्याणम नामक एक संस्कृत नाटक की भी रचना किया है और ये एग्जाम में कई बार आ चुका है, जाम्बवती कल्याणम। इसके अलावा इन्होंने तेलुगु ग्रंथ की भी रचना किया जिसका नाम है अमुक्त माल्यद। इसमें उन्होंने अपने राजनीतिक विचारों और प्रशासकीय नीतियों का विवेचन किया है कि किस तरह से शासन व्यवस्था करनी चाहिए और विजयनगर साम्राज्य में जब कृष्णदेव राय जी थे तो किस तरह से शासन व्यवस्था की जाती थी, इन दोनों चीज़ों के बारे में डिटेल से वर्णन मिलता है अमुक्त माल्यद में, ठीक है। अपने विद्या प्रेम तथा विद्वानों के संरक्षण के कारण उनको अभिनव भोज के रूप में भी जाना जाता था। अभी पीछे हम लोगों ने एक नाम पढ़ा था यमन राज स्थापनाचार्य, ठीक है, तो ये तो उनकी उपाधि थी और उनको अभिनव भोज के रूप में भी जाना जाता था, ये भी उनकी उपाधि तो नहीं कह सकते, इनको उनका टाइटल कह सकते हैं, उनको इस नाम से भी जाना जाता था अभिनव भोज, ठीक है। कई बार एग्जाम में आया अभिनव भोज के नाम से किसको जानते थे, तो क्यों जानते थे, क्योंकि विद्या प्रेम और तमाम विद्वानों का इन्होंने संरक्षण रखा था। कैसे रखा था, देखिए कृष्णदेव राय का शासनकाल तेलुगु साहित्य का क्लासिकल युग कहा जाता है, तेलुगु साहित्य का क्लासिकल युग क्या कहा जाता है। एक तो खुद ये विद्वान थे, ऊपर से विद्वानों का संरक्षण भी इन्होंने खूब अच्छे तरीके से किया गया था,
इनके समय में अष्ट दिग्गज जो थे इन्हीं के समय में इनके राज दरबार में हुआ करते थे। और अष्ट दिग्गज मतलब जैसे नौरत्न रहते थे ना, अकबर के दरबार में नौरत्न रहते थे, उसी तरह से राजा कृष्णदेव राय के यहाँ अष्ट दिग्गज रहते थे, आठ दिग्गज। दिग्गज व्यक्ति मतलब अपने आप में बहुत ही प्रसिद्ध और विद्वान व्यक्ति। उन्हीं अष्ट दिग्गज में से एक फेमस था पेडन्ना, पेडन्ना ठीक है ना, ये उनका दरबारी कवि था पेडन्ना, तो कई बार पेडन्ना से भी प्रश्न आता है। इसके अलावा अभिनव भोज के अलावा इनको आंध्र भोज के नाम से भी जाना जाता है, आंध्र भोज ठीक है। तो अष्ट दिग्गज तो आप याद रखिएगा ठीक है। कृष्णदेव राय ने कई सारे काम भी किए हैं स्थापत्य कला के क्षेत्र में, जैसे नागलपुर नगर की स्थापना किया है, नागलपुर नगर की स्थापना किया। इसके अलावा हजारा और विट्ठल स्वामी मंदिर की भी स्थापना किया। मैं चाहूँगा दोस्तों कि एक बार वीडियो में विट्ठल स्वामी मंदिर को ज़रूर से देखें। ये वही मंदिर है जिसमें उसके स्तंभ जो है संगीत प्रस्तुत करते हैं, स्तंभों पे जब अपने हाथ से ऐसे पीटेंगे ना तो वहाँ से अलग अलग संगीत निकलती है, सारे गामा पाधा निशा। तो एक बहुत ही अजीब अनुभव आपको मिलेगा। याद रखिएगा हजारा मंदिर और विट्ठल स्वामी मंदिर, इन दोनों मंदिरों का निर्माण कृष्णदेव राय जी ने करवाया था। डोमिंगो पायस और डुआर्टा बारबोशा, ये दो लोग इनके दरबार में भी आए थे। जैसे कौन वो दोनों लोग थे ना, सॉरी एक लोग थे ना फादर लुई, उसी तरह से डोमिंगो पायस और डुआर्टा बारबोशा, ये दोनों लोग भी इनके राज दरबार में आए थे। तो कई बार क्वेश्चन आ जाता है इसलिए मैंने यहाँ पर इंडिकेट कर दिया। इन्होंने एक अच्छा काम किया था कि विवाह कर को समाप्त कर दिया था। अरे बाप, उस ज़माने में विवाह कर लगता था। जी हाँ दोस्तों, विवाह कर लगता था, हालांकि विधवाओं के ऊपर ये विवाह कर नहीं लगता था। और विवाह कर जो होता था ये वर पक्ष और वधु पक्ष दोनों के ऊपर लगाया जाता था, दोनों के ऊपर लगाया जाता था ठीक है। तो फिलहाल इन्होंने समाप्त कर दिया था। बाबर ने अपनी बाबरनामा में, बाबर की रचना थी ना बाबरनामा, बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में ये लिखा है कि भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक राजा कृष्णदेव राय था। क्योंकि ये किसके समय में थे, राजा कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे, ये भी प्रश्न कई बार एग्जाम में आता है, तो ध्यान दीजिए कि बाबर के समकालीन थे। क्योंकि बाबर ने इनका नाम अपने बाबरनामा में भी लिखा और वर्णन किया है कि सबसे शक्तिशाली शासक जो है कौन था, राजा कृष्णदेव राय था। ये बाबर जो है एक्सेप्ट करता है, ये बाबर एक्सेप्ट करता है। तो इससे पता चल सकता है कि इनकी समृद्धि प्रसिद्धि, भाई ये थे दक्षिण भारत के, बाबर उत्तर भारत में, और बाबर यदि इनके नाम को जान रहा है मतलब कि उनकी प्रसिद्धि उनकी ख्याति बहुत ऊंची थी, इसीलिए तो जान रहा है। तो इस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा ठीक है। इसके बाद अगला शासक आया दोस्तों अच्युत राय, अच्युत देव राय। 1529 से लेकर के 1542 तक शासन किसका था, अच्युत देव राय का। और अगर इस पीरियड में हम बात करें 29 नहीं 30 से लेकर 42 के आसपास की बात करेंगे तो यहाँ पे शासक था हुमायूं का, यहाँ पे शासक था हुमायूं का। राम राय के शासन में सहभागी बनाया। यहाँ से देखो संयुक्त शासन प्रणाली की शुरुआत होती है। हालांकि विजयनगर साम्राज्य में कई बार ऐसा हुआ कि जैसे हरिहर और बुक्का, वहाँ भी तो संयुक्त शासन प्रणाली चलती थी, मतलब दो व्यक्ति, दोनों तो राजा नहीं है लेकिन दो व्यक्ति मिल करके पूरे राज्य का कार्यभार संभाले हुए निर्वहन करें, तो ये होता है क्या, मिल करके ठीक है ना। तो यहाँ पे जो है सहभागी रूप से राम राय भी साथ में थे अच्युतदेव राय के। कृष्णदेव राय के जमाता थे राम राय, कृष्णदेव राय के जमाता थे ठीक है। इनके शासनकाल में पुर्तगालियों ने तूती कोरिंग के मोती क्षेत्र को जीत लिया था। कृष्णदेव राय के समय में ऐसी किसी की हिम्मत नहीं थी कि कोई किसी क्षेत्र को जीत ले, क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत शक्तिशाली इंसान थे। लेकिन उनके बाद जब गद्दी अगले शासक के हाथ में गई अच्युतदेव राय के, तो उनके ज़माने में एक गलती ये हुई कि तूती कोरिंग वाला जो क्षेत्र था मोती क्षेत्र, वो पुर्तगालियों के हाथों में चला गया। और एक पुर्तगाली यात्री जिसका नाम था नूनीज, वो किसके राज दरबार में आया था, तो वो अच्युतदेव राय के दरबार में आया था ठीक है, अच्युतदेव राय। इसके लिए इतना इन्फॉर्मेशन आपके लिए काफ़ी है। इसके बाद आ गया सदाशिव राय, अगला शासक है सदाशिव राय। 1542 से लेकर के 1570 तक जो है शासन किसका था, सदाशिव राय का। इसके समय में वास्तविक शक्ति जो थी वो राम राय के हाथों में आ गई थी। मैंने अभी पीछे ही आपको बताया कि अच्युतदेव राय के समय में राम राय जो थे शासन में सहभागी थे, संयुक्त रूप से शासन चलाते थे। तो वो राम राय धीरे धीरे जैसे नरसा नायक था उसी तरह से पूरे के पूरे पावर और कंट्रोल को अपने हाथों में करता हुआ चला गया। और इसने सेना में बहुत बड़ी संख्या में मुसलमानों की भर्ती शुरू कर दी ठीक है। एक काम इन्होंने कहा, कई बार इससे भी प्रश्न पूछा है तो इसको ध्यान दीजिएगा, राम राय ने ऐसा किया था। और इसी के समय हुआ था तालीकोटा का युद्ध, तालीकोटा का, जिसको राक्षसी तंगड़ी का युद्ध भी कहा जाता है।
तालीकोटा के युद्ध में हुआ क्या? 1565 में हुआ था दोस्तों तालीकोटा का युद्ध। याद रखिए 1565 में अगर उत्तर भारत की बात करोगे तो यहाँ पे अकबर का शासन था, मुगल में किसका शासन था? अकबर का शासन था 1565 तालीकोटा के युद्ध। और विजयनगर की बढ़ती हुई समृद्धि से अगल बगल के जो राज्य थे वो इतना जलने लगे थे कि सब ने एक समूह बना लिया और ये विचार बना लिया कि हमें अब विजयनगर पे हमला करना चाहिए। और एक साथ देखिए अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा और बीदर, इन चारों राज्यों ने एक साथ जो है मिल करके हमला कर दिया किसके ऊपर? विजयनगर के ऊपर। तो बताओ अब इस अब क्या होगा, इस स्थिति में क्या होगा, विजयनगर हारेगा या जीतेगा? जाहिर सी बात है विजयनगर की हार होगी क्योंकि इतने बड़े बड़े राज्यों ने मिलकर एक साथ युद्ध छेड़ दिया है। इसी युद्ध का नाम रखा गया तालीकोटा का युद्ध या राक्षसी तंगड़ी का युद्ध। तालीकोटा तो आप जानते हो, लेकिन अगर आपके एग्जाम में इसी प्रश्न को घुमा दे कि राक्षसी तंगड़ी का युद्ध कब हुआ तो आप कहोगे यार पता नहीं कौन से युद्ध के बारे में बात कर रहा है। याद रखो तालीकोटा के युद्ध को ही कहा जाता है राक्षसी तंगड़ी का युद्ध, ये हुआ था 1565 में। बात आती है यार कि ये युद्ध की शुरुआत क्यों हुई थी, आखिर क्यों ये युद्ध लड़ा गया कि चारों स्टेट जो है मिल करके अपने अलग दूसरे वाले प्रांत पर हमला कर रहे हैं, ऐसा क्यों? अच्छा, इसमें से एक आपको कम भी दिख रहा है कि बरार जो है वो नहीं शामिल था। बरार इसलिए शामिल नहीं था कि बरार की लड़ाई चल रही थी गोलकुंडा से और गोलकुंडा इसमें शामिल था, इसी वजह से बरार इनके समक्ष जो है शामिल नहीं था। ठीक है, एक वजह ये है बरार का न शामिल होने का। तो कई बार पूछता है कि बरार क्यों नहीं शामिल था, तो इसका एक ही रीज़न था कि गोलकुंडा से बरार का विवाद चल रहा था, क्योंकि गोलकुंडा उस लड़ाई में शामिल था इसलिए बरार उस लड़ाई में शामिल नहीं हुआ। ठीक है, बात आती है कि युद्ध की शुरुआत क्यों। तो देखिए बीजापुर के सुल्तान अली आदिल शाह ने विजयनगर से क्या किया, रायपुर, मुदगल और अदोनी के किले की मांग की, क्योंकि यह किला पहले जो है बीजापुर के अंडर में था। बाद में जब विजयनगर साम्राज्य की वृद्धि शुरू हुई तो आने वाले शासकों ने क्या किया, इन सभी किलों को जीत करके विजयनगर में मिला लिया। अभी मैंने पीछे बताया था ना नरसा नायक के समय में नरसा नायक क्या किया कि तीनों स्टेटों को जो अलग अगल बगल के जो प्रांत थे उनको क्या कर लिया, जीत लिया था। तो ये किले भी जो उसने जीत करके विजयनगर में मिला रखे थे। और राम राय ने क्या कर दिया, इसी मांग को ठुकरा दिया कि भाई हम किले आपको नहीं दे सकते हैं। और इसी वजह से ये अली आदिल शाह जो बीजापुर का सुल्तान था इसने पूरा का पूरा टीम बना लिया, अहमदनगर, गोलकुंडा और बीदर को मिला करके एक साथ युद्ध छेड़ दिया। कहाँ पर? तालीकोटा के युद्ध। किसके विरुद्ध? राम राय के विरुद्ध। ठीक है, हुसैन निजाम शाह ने 70 वर्षीय राम राय की हत्या कर दी, मार डाला इसको युद्ध के दौरान। ठीक है, मार डाला और विजयनगर साम्राज्य की खूब लूटा गया। विजयनगर साम्राज्य को इतना लूटा गया, इतना लूटा गया कि जिसकी कोई हिसाब नहीं, चारों स्टेट एकदम धन्य हो गए लूट लूट कर। इस युद्ध का प्रत्यक्षदर्शी कौन था? तो याद रखिए इस युद्ध का प्रत्यक्षदर्शी था सेविल नाम का एक व्यक्ति था जो इस युद्ध का क्या था, प्रत्यक्षदर्शी था। विजयनगर के अधिकांश क्षेत्रों को मित्र राज्यों ने आपस में बांट लिया। भाई विजयनगर साम्राज्य पे चार चार स्टेट लड़ाई करेंगे तो हार तो होगी विजयनगर की, और हारने के बाद राम राय की हत्या भी हो गई। जब हत्या हो गई, जब कोई राजा नहीं है कंट्रोल करने वाला, तो विजयनगर कई सारे छोटे छोटे हिस्सों में टूट गया। और टूटने के बाद क्या किए अलग अलग राज्यों ने, जैसे गोलकुंडा ने, जैसे बीदर ने, जैसे आपके बीजापुर ने, अहमदनगर ने, इन सारे राज्यों ने लूट लूट कर बहुत सारे क्षेत्रों को अपने राज्यों में मिला लिया। किंतु दक्कनी सुल्तानों ने पुनः आपसी मतभेदों से विजयनगर साम्राज्य को एक बार फिर से उभरने का मौका मिल गया। क्यों मौका मिल गया? देखिए लड़ाई किया चारों ने, आपस में बांट लिया, आपस में बांटने के बाद उनको आपस में झगड़ा होने लगा कि ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है। ठीक है, तो इसके वजह से झगड़ा हुआ, पुनः आपसी मतभेद हुआ। और इसी बीच विजयनगर साम्राज्य को राम राय के भाई जिसका नाम था तिरुमल वहाँ का राजा बैठा, वहाँ का सत्ता अपने हाथों में ले लिया। और 1570 में उसने तुलु वंश के अंतिम शासक सदाशिवराय को अपदस्थ करके, गद्दी से उतार करके किसको राजा बना दिया, अरविडु वंश की स्थापना किया और खुद राजा बन गया। तिरुमल जो है वो खुद राजा बन गया और कौन से वंश की स्थापना किया, अरविडु वंश। कुल चार वंश चले हैं विजयनगर में, कुल चार वंश चले हैं। पहला था संगम वंश, उसको तो मैंने एकदम अलग पढ़ा दिया था। दूसरा था तुलु वंश, सालु वंश और तुलु वंश और अरविडु वंश, कुल चार वंशों के बारे में डिटेल था, तो मैंने सभी के बारे में आपको बता दे रहा हूँ। तो इसके स्थापना किया तिरुमल ने। सबसे पहले क्या किया कि राजधानी को चेंज किया, क्योंकि विजयनगर की क्षति बहुत ज़्यादा हो चुकी थी, इतनी बुरी तरीके से उसको लूट लिया गया था, वहाँ पे तोड़फोड़ की गई थी कि अब उसको फिर से डेवलप करना थोड़ा सा मुश्किल हो गया था। तो इसने अपनी राजधानी विजयनगर से चेंज करके कहाँ पहुँचा दी, वैनुगोंडा। कहाँ पहुँचा दी, वैनुगोंडा। ठीक है,
अगला राजा आया वेंकट दूती, अगला राजा आया वेंकट दूती, 1586 में ये राजा बना रहा। और अभी उत्तर भारत में किसी का शासन चल रहा है? आपके अकबर का ही शासन चल रहा है। अकबर का शासन 1604 या 5 तक चलेगा, ठीक है? चलिए आगे देखते हैं। तो 1586 में इसने क्या किया, सबसे पहले राजधानी को शिफ्ट कर लिया कहाँ, वेणुगंडा से चंद्रगिरी। लेकिन कुछ समय बाद अव्यवस्थित होने के कारण चंद्रगिरी से फिर से राजधानी को कहाँ शिफ्ट कर दिया, वेणुगंडा। तो इसीलिए मैंने ये सैम्बल बनाया है कि एक बार राजधानी यहाँ आई वेणुगंडा से चंद्रगिरी, दोबारा चंद्रगिरी से फिर कहाँ गई, वेणुगंडा, ठीक है? तो अव्यवस्था की वजह से ऐसा हुआ। 1612 ईस्वी में राजा ओडियार ने, अब देखिए 1612 अगर उत्तर भारत की बात करोगे तो जहांगीर आ चुका है, जहांगीर आ चुका है, ठीक है? तो राजा ओडियार ने वेंकट दूती को, वेंकट दूती से अनुमति लेकर श्रीरंगपट्टनम की सूबेदारी के नष्ट होने पर जो है मैसूर राज्य की स्थापना किया। फिर से सुनिए ध्यान से, 1612 में क्या हुआ कि राजा ओडियार ने, एक अलग राजा था, उसने ऑर्डर लिया किससे, वेंकट दूती से, जो कि किस वंश का राजा था, अरविडु वंश का राजा था। उससे अनुमति लिया कि साहब ऐसा है कि श्रीरंगपट्टनम की जो सूबेदारी थी वो तो नष्ट हो गई है, तो उस जगह पे, उसी श्रीरंगपट्टनम के जगह पे एक नए राज्य की स्थापना किया जिसका नाम था मैसूर राज्य, जिसका नाम था मैसूर राज्य। एक नया राज्य की स्थापना हुआ। 1598 में तमाम ईसाई पादरियों ने जो है भारत में प्रवेश शुरू किया और वेंकट दूती के समय में जो है विजयनगर की यात्रा किया, ठीक है? और स्पेन के फिलिप तृतीय के साथ वेंकट दूती के बहुत अच्छे संबंध थे और इसी वजह से जो है ईसाई पादरियों की संख्या में वृद्धि हुई और बहुत सारे पादरी जो है भारत में आए, ठीक है? श्रीरंग तृतीय जो है ये अंतिम शासक था, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। और इसी तरह से करके धीरे धीरे इस वंश का भी अंत हो गया। और नेक्स्ट में वीडियो में दोस्तों, बस ये वाला वीडियो यहीं पे था, यहीं पे अरविडु वंश जो है समाप्त हो जाएगा, क्योंकि कुछ भी स्पेशल नहीं हुआ और पूरी तरीके से यहीं पे ये समाप्त हो जाएगा। नेक्स्ट वाले पार्ट में दोस्तों, एक पार्ट हमने और बनाया है विजयनगर के ऊपर, उसमें हम लोग बातें करेंगे प्रशासनिक स्थिति के बारे में, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, उसके हर एक स्थिति, हर एक पहलुओं को हम समझने का प्रयास करेंगे। तो उम्मीद है कि ये वाला पार्ट आपको बहुत अच्छा लगा होगा और बिल्कुल परेशान मत होइए। और जो लोग मैसेज कर रहे हैं कि नहीं सर मुगल मुगल मुगल, भाई मैं पढ़ाऊंगा मुगल, थोड़ा सा वेट करिए, गुस्सा मत करिए। आप लोग मेरे छोटे भाई जैसे हो, अगर आप लोग नाराज़ हो जाओ यार तो फिर मेरा क्या होगा, तो आप लोगों की नाराज़गी जाहिर है कि मैं आपको सही टाइम पे वीडियो नहीं दे पा रहा हूँ, लेकिन मैंने पूरी मेहनत कर रहा हूँ अपने तरीके से और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें देने का प्रयास कर रहा हूँ। तो जो भी चीज़ें आपको दी जा रही है ना, उन सारी चीज़ों को पढ़ते रहिए। ऐसा तो है नहीं कि आपको कुछ नहीं मिल रहा है, चलो आर्ट एंड कल्चर मिल रहा है तो आर्ट एंड कल्चर ही पढ़ो ना, जो मिल रहा है उसे पढ़ो, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में सब कुछ इंपॉर्टेंट है। सब्जेक्टिव चीज़ें मैं अपने तरीके से लेकर चलूँगा, इसको मैं नहीं छोड़ूंगा, आपसे वादा है मेरा। किसी भी सब्जेक्ट का जो सब्जेक्टिव पोर्शन है वो मैं बहुत जल्दी उड़ा के नहीं लेके चल सकता, क्योंकि चीज़ें छूट जाएंगी ना। आप लोग इस बात को समझिए, मैं चाहूँ तो शॉर्टकट वीडियो बना करके 2-3 दिन 4 दिन में पूरा का पूरा आधुनिक इतिहास ख़त्म कर सकता हूँ, लेकिन उससे आपको क्या फ़ायदा? फिर स्टडी 91 का क्या मतलब रहेगा? आपको डीप स्टडी करना है ना, तो थोड़ा सा आप हमारा साथ दीजिए बस। तो इस तरह से हम अगर अच्छे से कवर करते चलेंगे तो बढ़िया रहेगा ना। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। वीडियो पे अगर ऐड आता है दोस्तों, तो आपसे विनम्र निवेदन है कि प्लीज़ उस ऐड को पूरा देखा करिए, ऐड को स्किप मत किया करिए। दिन भर में अगर 2-4 बार ऐड देखने का मौका मिल जाए तो प्लीज़ दोस्तों ऐड को ज़रूर से देखा करिए, साथ ही साथ वीडियो को शेयर करिए ताकि हमारे ज़्यादा से ज़्यादा भाई बहन जो वीडियो को देख पाएँ। आगे आने वाले समय में दोस्तों गूगल प्ले स्टोर के लिए एप्लीकेशन भी तैयार हो रहा है और वेबसाइट भी तैयार हो रहा है। वेबसाइट का नाम study91.org के नाम से होगा, ठीक है? study91.org, ओके? तो पूरी तैयारी चल रही है उस पर हम लोग क्या कर रहे हैं ना, मॉक टेस्ट और PDF वगैरह जो आप मांग रहे हो वो सारा कुछ हम अवेलेबल कराएंगे उस पर, ठीक है? तो जैसे ही मॉक टेस्ट वगैरह आता है, अभी जितना पढ़ सकते हो पढ़ लो, अपने आप को तैयार कर लो। तैयार करने के बाद ना वेट मत करना कि यार एग्ज़ाम कब होगा, तैयार होने के बाद लड़ाई में उतरना। कैसे? जब आप प्रैक्टिस सेट करोगे ना, कम से कम 15-15, 20-20 प्रैक्टिस सेट मैं आपको कराऊंगा मॉक टेस्ट के रूप में, ठीक है? तो आपको अपना लेवल पता चलेगा कि सर मुझे कितना तैयारी हुआ है, क्योंकि आपने क्या पढ़ा ये मैटर नहीं करता, एग्ज़ाम में क्या आता है मैटर ये करता है, ठीक है? चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच।